नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि अभी की जो ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि हिमाचल प्रदेश में जो है दो साल की बच्ची समेत जो है आज दस नए कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है हिमाचल प्रदेश में अभी तक आए हैं तो कहाँ कहाँ के ये पॉजिटिव मरीज़ आए हैं और कुल संख्या कितनी पहुँच चुकी है हिमाचल प्रदेश की इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जिन्होंने चैनल को सब्स सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं अभी की जो अपडेटेड न्यूज़ आई है कि कोरोना वायरस हिमाचल में दो साल की बच्ची समेत दस नए पॉजिटिव मरीज छः सौ छियासठ पहुँचा आंकड़ा तो हिमाचल प्रदेश में जो है रविवार को दो वर्षीय बच्ची समेत कोरोना के 10 नए मरीज आए हैं सोलन ज़िले के नालागढ़ में कुवैत से लौटा व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है इसे 14 जून से नगर परिषद के विश्राम गृह क्वारंटीन केंद्र में रखा था शाम को ज़िले में दो और मामले आए हैं इसी तरह सिरमौर ज़िले में भी कोरोना के दो नए मामले आए हैं इनमें से एक धोला कुआँ क्षेत्र का है जबकि दूसरा प्रछाद क्षेत्र का बताया जा रहा है धोला कुआँ में 15 जून को अहमदाबाद से आया शख्स पॉजिटिव निकला है या पाउंटा साहिब में प्रशासन की ओर से अधिकृत होटल में क्वारंटीन किया गया है शुक्रवार को उसके सैंपल लिए गए थे दूसरा मामला जो है पछाद क्षेत्र के बना की शेर का बताया जा रहा है चार जून को यह व्यक्ति दिल्ली से लौटा था उसे होम क्वारंटीन किया गया था प्रशासन दोनों की संपर्क और ट्रैवल हिस्ट्री खंगला हिस्ट्री जो है खंगाल रहा है उपायुक्त डॉक्टर आर के परूथी ने इसकी पुष्टि की है सिरमौर में अब कुल मामले जो हैं बत्तीस हो गए हैं इनमें से पंद्रह केस एक्टिव हैं जबकि दस मरीज ठीक होकर लौट गए हैं सात मामले मरीज जो हैं वो हरियाणा शिफ्ट हो गए हैं उधर फरीदाबाद से चंबा लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है युवक को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर करिया में रखा गया था जहां पर एहतियात के तौर पर शुक्रवार को उसके सैंपल लिए गए सैंपल की रिपोर्ट शनिवार रात को पॉजिटिव आई युवक को रविवार सुबह एम्बुलेंस से कोविड केयर सेंटर बालू शिफ्ट कर दिया गया कांगड़ा में अभी चार नए मामले आए हैं जिले के द्वार द्वारा दौर, क्षेत्र की दिल्ली से लौटी तीस वर्षीय महिला और उसकी दो साल की बेटी पॉजिटिव आई है इसके अलावा गाजियाबाद से लौटी चाहन कलां क्षेत्र की बैतालीस वर्षीय महिला और दिल्ली से लौटी मकलोडगंज की उन्नीस वर्षीय युवती पॉजिटिव पाई गई है सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर डाढ़ शिफ्ट किया जा रहा है राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा छः हो गया है चार छे, छे मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो गए हैं और सक्रिय मामले जो हैं वो दो हैं ग्यारह ग्यारह लोग जो हैं वो राज्य के बाहर चले गए हैं छः की मौत जो है कोरोना से हो चुकी है अब तक हिमाचल प्रदेश में तो दोस्तों ये थी अभी की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और अभी तक आपने अंकित वर्मा ओल एच पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन पाने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत